हिमाचल प्रदेश के 28 राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक कर रहे छात्रों के लिए कौशल विकास निगम ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम शुरू करेगा। पढ़ाई के साथ साथ अब छात्रों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। एड ऑन प्रोग्राम के तहत छात्रों को 5 से 6 महीने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के आधार पर कंपनियां महाविद्यालय में आएंगी तथा रोजगार प्रदान करेंगी। महाविद्यालय में ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम के तहत ब्यूटी पार्लर, फैशन डिजाइनिंग, डाटा एंट्री सहित अन्य प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। हमीरपुर में पत्रकार वार्ता करते हुए हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रदेश समन्वयक नवीन शर्मा ने ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि निगम युवाओं के कौशल विकास के लिए तत्परता से काम कर रहा है। नवीन शर्मा ने बताया कि महाविद्यालयों में ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्रों को शिक्षा के साथ साथ रोजगार के अवसर भी इससे उपलब्ध होंगे। प्रदेश कौशल विकास निगम इस वर्ष से जो है वो प्रदेश के 28 महाविद्यालयों में जो है ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम जो है वो शुरू करने जा रहा है। ग्रेजुएट एड ऑन प्रोग्राम का अर्थ है कि ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है वो एक सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो 5-6 महीने का जो कौशल विकास निगम उपलब्ध करवाएगा। वो ट्रेनिंग जो है वो विद्यार्थियों को कॉलेज के अंदर जो है वो बैचलर डिग्री के विद्यार्थियों को वो ट्रेनिंग जो है प्रशिक्षण अलग से दिया जाएगा और उस प्रशिक्षण के आधार पर जो है वहाँ पर जो है प्लेसमेंट कंपनीज वहाँ पर आएंगी और उनकी प्लेसमेंट भी करेगी। तो इसमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं, चाहे वो फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो, चाहे सोशल मीडिया ट्रेनर का हो, ऐसे डाटा एंट्री ऑपरेटर का हो, ऐसे अलग अलग तरह के कोर्सेज जो हैं वो उनके ऊपर जो है वो ट्रेनिंग जो है वो कौशल विकास निगम के माध्यम से जो है इन कॉलेजेस के अंदर दी जा रही है। नवीन शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 40 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI में मल्टी स्किलिंग की ट्रेनिंग भी शुरू की जा रही है। भले ही किसी भी ट्रेड में छात्र ITI से दक्षता प्राप्त कर रहा हो, लेकिन इन्हें कौशल विकास निगम की तरफ से मल्टी ट्रेनर बनाया जाएगा। कौशल विकास निगम ITI स्टूडेंट्स की मल्टी स्किलिंग तथा अप स्किलिंग भी करेगा। कॉलेज के अंदर ही जॉब फेयर लगेंगे और विद्यार्थियों का वहाँ से चयन होगा। इसी तरह जो है वो कौशल विकास निगम जो है वो ITI के विद्यार्थियों के लिए भी हमने जो है वो प्रदेश के 40 ITI के विद्यार्थियों के लिए जो है वो मल्टी स्किलिंग का जो है वो ट्रेनिंग शुरू की है। स्किलिंग तो उनकी वहीं हो रही है क्योंकि किसी ना किसी ट्रेड में वो ITI कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ 3 महीने की और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स किसी अन्य ट्रेड में उनकी वहाँ पे हो, तो इस तरह से उनकी मल्टी स्किलिंग और अप स्किलिंग करने का काम जो है वो कौशल विकास निगम जो है प्रदेश के 40 ITIs में कर रहा है। शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के 7 विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे। इन केंद्रों के संचालन के उपरांत छात्रों को कैरियर गाइडेंस भी मिलेगी। कई बार सही गाइडेंस ना मिलने के कारण युवा बेहतर भविष्य बनाने के लिए सही राह नहीं चुन पाते हैं। ऐसे छात्रों के लिए मॉडल कैरियर काउंसलिंग सेंटर खोले जाएंगे, जहां उनकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार उनके भविष्य बनाने संबंधी सही मार्गदर्शन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मॉडल कैरियर सेंटर धर्मशाला, चंबा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, बद्दी, सोलन, डाडासिबा, उदयपुर और काजा में खोले जा रहे हैं। साथ ही साथ जो है आने वाले समय में एक जो समस्या हमारे विद्यार्थियों की रहती है कि बच्चों को आफ्टर 10th के बाद, प्लस टू के बाद हमें क्या करना है, तो एक कैरियर काउंसलिंग की एक जो है वो बहुत बड़ी समस्या जो है वो युवाओं को आती है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कौशल विकास निगम के माध्यम से जो है वो प्रदेश के 7 स्थानों पर जो है वो मॉडल कैरियर सेंटर जो है वो स्थापित किया है। हमीरपुर के अंदर भी एक मॉडल कैरियर सेंटर जो है वो स्थापित हुआ है और जल्द ही वो सेवाएं देना शुरू करेगा। उस मॉडल कैरियर सेंटर में जो है वो हमारे सारा एम्प्लॉयमेंट के पदाधिकारी वहाँ बैठेंगे, हमारे कौशल विकास निगम की तरफ से जो है वो कैरियर काउंसलर वहाँ पर बैठेंगे और वहाँ पर आने वाले जो भी बच्चा वहाँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो है अपना नाम रजिस्टर करवाने आएगा उसको वहाँ पर ये सहायता प्रदान की जाएगी, कैरियर काउंसलिंग उसकी की जाएगी कि उसको जो है वो अपने कैरियर में कौन सा वो वे जो है कौन सा माध्यम वो अपनाए
जिसके माध्यम से उसको अपना कैरियर जो है वो ठीक से वो चुन सके। तो ये कैरियर काउंसलिंग करने का काम इन मॉडल कैरियर सेंटर्स के माध्यम से जो है वो पूरे प्रदेश भर में होगा।